हे गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। माँ शेरावाली की कृपा सब पे बनी रहे। आज मैं पहली बार हेलमेट में कैमरा माउंट किया है, तो आज मैं हेलमेट में कैमरा माउंट करके पहली बार बाइक राइड करने जा रहा हूँ और देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये है मेरा टर्जन द वंडर बाइक, गरीब आदमी का बाइक है गाइज, खटारा बाइक है, इसी पे राइड करेंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले साफ सफाई कर लेते हैं। पहली बार हेलमेट में कैमरा माउंट किया है गाइज, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अभी थोड़ा और सा महसूस हो रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो यहीं अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं। अब यहाँ से आ गया ये एडवेंचर वाला रास्ता। अरे वो भाई साहब, इधर तो फॉरेस्ट है, जंगल है, और जंगल के उस पार यहाँ पे बोट रखा हुआ है छोटा सा, उधर रिवर है। अभी टाइम नहीं है, नहीं जाऊँगा इधर। क्या करें गाइज, मुझे तो अच्छी अच्छी जगहों का और यहाँ पे कुछ गुमनाम जगह भी है जिनका मैं व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ, मगर काम से ही फुर्सत नहीं मिलता है। एक साइड पे जाओ, काम देखो, समझाओ, गाइड करो, तब तक दूसरे साइड से फ़ोन आने लगता है, संतोष भाई कहाँ हो, आ जाओ यहाँ पे, ये काम समझना है, वो काम समझना है, या कहीं पे कोई कारीगर काम गड़बड़ कर दिए तो आ जाओ यहाँ पे, काम ख़राब हो गया है। अब वहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए दूसरे साइड पर जाना पड़ता है। देखा गाइज, मैंने बोला था ना, इधर कोई रोड है ही नहीं। पहले मैं उस रोड से आता था, आज मैं इधर से आया, थोड़ा इधर का व्यू देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या करूं, इधर तो रास्ता है नहीं, चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। वैसे तो रोड नीचे से है, इधर से कोई रोड नहीं है, मगर मुझे तो ब्लॉग बनाना है तो मैं ऊपर से ही चलता हूँ और देखता हूँ आगे क्या है, कैसा है। मैं तो बहुत ऊंचाई पे आ गया हूँ और दोनों साइड में लगभग मैं 10 फीट ऊंचा हूँ, रोड से 10 फीट ऊंचाई पे मैं चल रहा हूँ। भाई साहब, रोड में निकल जाएगा? रोड में बंद है, से आप जाइए। अच्छा, आगे इसे जंगल है क्या? जंगल ही है थोड़ा सा, लेकिन रोड पता नहीं बना। अच्छा, तो बाइक चलाने में दिक्कत है। बाइक निकल जाएगा? वो इतना रास्ता है थोड़ा सा साइड में, क्या निकलेगा थोड़ा पता नहीं, तो जाती यहाँ से जाएगी, बस पता जाएगी, तो वहाँ से जाओगे ना? हाँ, फिर आगे जाकर चढ़ोगे, यहाँ से आगे जाके चढ़ोगे फिर। अच्छा, तो गाइज इधर रोड ही नहीं है आगे, और इतने हाइट पे, और ये बोल रहे हैं कि अभी जितना ये छोटा पगडंडी है इतना ही है, थोड़ा सा भी बैलेंस गड़बड़ हुआ तो इधर जाओगे या इधर जाओगे, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से नीचे उतर जाता हूँ। और यहाँ से नीचे उतर के अब किधर से जाएंगे यार, चलो चलते हैं उधर।
क्या है भाई टांगे वाली। यही रिवर है, इसी रिवर का मैं बात कर रहा था। अब हम पहुंच गए नारवल। ये नारवल का मार्केट है, कुछ ऐसा मार्केट है यहाँ पे। और मुझे जाना है गांव में। वैसे तो वो सिटी के नज़दीक है, इसलिए उसको प्रॉपर विलेज भी नहीं बोला जा सकता है। अब यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न लूँगा और पहुँचूँगा अपने साइट पे। अब चलते हैं अंदर और अंदर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मेरा काम हो गया। अब मैं फिर यहाँ से बाइक राइड करूँगा और इस बार मैं वीडियो करूँगा सुपर व्यू मूड में कि वो कैसा आता है। तो चलते हैं और देखते हैं। आज फर्स्ट डे, फर्स्ट बाइक राइड एंड फर्स्ट माउंट ऑफ हेलमेट कैमरा। देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। उसको तो आप लोग पहचानते ही हो और इनको भी आप देखे होंगे पिछले वीडियो में। इधर से ये वार्डरोब का हुआ है, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट होगा तब इसका वीडियो बनाएंगे। दरवाजे का डिजाइन ऐसा हो रहा है। बिजली रानी यहाँ पे काम कर रही है। चश्मा लगाइए। हाँ, अब दिख रहे हैं एकदम रामा रेडी लग रहे हैं। तो अभी सुपर व्यू मोड में कैमरा मैंने कर लिया है और अब चलते हैं। सामने है पुलिस पोस्ट नारवल। कश्मीर में भी पागल लोग बहुत है। लोग कोई कोई ऐसे होते हैं जैसे उन्हें लगता है कि कोई एलियन आ गया, ऐसे नज़र से देखते हैं और पूछते भी है क्या है ये। अरे भाई क्या है, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कैमरा है और क्या है। यहाँ से देखिए ये पेड़ों का व्यू कैसा दिख रहा है। और ये नदी है, इसमें भी लोग बैठ के मछली पकड़ रहे हैं। मैं चलता हूँ फिर इसी जंगलों वाले रास्ते से और देखते हैं आगे क्या है। उधर से मैं आ रहा था तो वो लड़के जो वहाँ पे थे उन्होंने बोल दिया कि आगे आप नहीं निकल पाओगे, आगे रास्ता बहुत पतला है और ऊंचाई पे है, बाइक थोड़ा भी बैलेंस गड़बड़ होगा तो आप नीचे जा सकते हो। अब इधर से देखते हैं इधर से क्या है कैसा है। यहाँ से कोई फार्म लग रहा है, चलते हैं आगे। ये भी प्रॉपर रोड नहीं है, इधर बगल में घर मकान सब बने हुए हैं मगर धूल मिट्टी का यहाँ पे तो कोई कमी ही नहीं है। यहाँ से ये ब्रिज बना हुआ है और इसको पार करके उधर जंगलों में जाने का रास्ता है मगर मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि इधर गुंडे बदमाश हो सकते हैं। यहाँ से ये रास्ता बंद है।
निकल गया निकल गया, यहाँ से तो मैं निकल गया। अब आगे देखते हैं, आगे निकल पाते हैं या फिर वापस मुड़ के आते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये यहाँ पे पूरा का पूरा ये जंगल, कितना खतरनाक रास्ता है। और इधर से ये तो यहाँ से ये सब देख लो, उधर प्ले ग्राउंड है, उसमें बच्चे सब क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ से ये नदी ऐसे गया है, फिर वहाँ से वो नदी वैसे गया है। और यहाँ पे एक कैमरा है छोटा सा, गाइज लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे जब भी आप कश्मीर आओगे, आप इधर आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। और इस टाइम मैं आपको ऐसे कुछ सिंपल से दिख रहा है, लेकिन मैं अभी खतरों से ही खेल रहा हूँ। देखो इधर कितना भयंकर इधर का माहौल लग रहा है। ये कब्रिस्तान है। अरे बाप रे बाप, बहुत खराब है यहाँ पे, बदबू आ रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत खराब है, सांस नहीं लिया जा रहा है गाइज। ऐसा लगता है कि मैं बहुत घुट रहा हूँ, घुटन जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ या इसी रास्ते से मैं जाऊँ, सीधा आगे देखूँ और क्या क्या है। इधर से तो जंगल ही जंगल है, इधर का सीन कुछ अमेजन के जंगलों जैसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, चलो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। यहां से वहां तक ये सब बोट ही बोट है। और जब बारिश का मौसम यहां पे आएगा तो ये पूरा पानी से एकदम लबालब भर जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ जंगल, देखो वो जो जंगल दिख रहा है उसी जंगल में लायन टाइगर डियर ये सब उसमें होते हैं। तो लायन और टाइगर तो वहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन डियर जो होता है वो कभी कभी इधर भी आ जाता है। नहीं रुक जाओ, मुझे निकल जाने दो। देखो ये बोल रहा है नहीं नहीं निकलने दूंगा, रुक जाओ शाबाश। अब गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या कोई टूरिस्ट कभी इधर आया होगा, नहीं आया होगा। ये सब बोट यहाँ पे देखो कितना रखा हुआ है, खाली बोट ही बोट दिखाई दे रहा है इधर। मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही अंदाजे पे मैं निकला हूँ कि शायद इधर से कोई रास्ता मिल जाए और मैं अपने रूम पे पहुंच जाऊं। मगर यहां से आगे तो इम्पॉसिबल लगता है, क्या करूं। यहां पे उतर के देख लेता हूं कि निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। ब्लॉगिंग करते करते लिटरली गाइज मैं डिसअपॉइंट हो गया, और मैं ब्लॉगिंग करते जा रहा हूँ, जो मुझे बोलना था वो मैं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि गोप्रो मेरा चल रहा है, वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन जब मैं एक जगह रुका और वहाँ पे मैंने चेक किया कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये शट डाउन हो चुका था। ये हाल है गोप्रो का। गोप्रो का बैटरी बैकअप जो है ना गाइज, वो अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ तक मैंने जितना वीडियो बाइक पर मैंने राइड किया और राइड करके मैंने जितना भी वीडियो शूट किया वो मैंने अपलोड कर दिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।